अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीए मैथ 212 चैप्टर 9 और मैथ 123 चैप्टर 13 चैप्टर द सर्कल शॉर्ट क्वेश्चन में सेकंड लास्ट क्वेश्चन या सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं कि डिफाइन द सर्कल। हमने सर्कल की डेफिनेशन जो है वो एक्सप्लेन करनी है, तो मैं ये आपको लिखवा देता हूँ सर्कल क्या होता है। वैसे भी आपको पता है कि सर्कल अगर ज्योमेट्रिकली देखें तो राउंड शेप पर होता है, जिसका एक सेंटर पॉइंट भी होता है। ये कहता है यहाँ पर सर्कल की डेफिनेशन में, अ सर्कल इज, ठीक है, अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है, एक ऐसा सर्कल जो होता है जिसके सारे पॉइंट्स जो एक सारे पॉइंट पर वो जो मतलब होते हैं पॉइंट्स इन अ प्लेन, ठीक है, एक प्लेन में दैट आर इक्वली तो मसावी तौर पर जो होते हैं डिस्टिंक्ट फासलों पर डिस्टिंक्ट फॉर्म फ्रॉम होता है सही, यानी कि फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक, अगर आप इतना भी याद कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि एक सर्कल जो होता है वो एक फिक्स पॉइंट के गिर्द एक मसावी फासले पर यानी बराबर फासले पर बनाई गई एक प्लेन ज्योमेट्रिकल शक्ल है। ठीक है, इतना लिख लें। और इसमें कहता है द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये भी लिख लेते हैं। द फिक्स्ड, वो जो फिक्स पॉइंट के गिर्द गिरा हुआ है ना, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है जी, ये सर्कल के का सेंटर कहलाती है। एंड उसके साथ उसने यहां पर ये बताया हुआ है कि द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर से लेकर एक पॉइंट सर्कल पर जो होता है उसको आप रेडियस बोलते हैं। उसने कहा कि एंड डिस्टेंस जो है वो आपका एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट, यानी किसी भी जगह पर एनी पॉइंट, आप याद करेगा हो जाएगा याद इंशाल्लाह, ऑन द सर्कल, किसी भी पॉइंट पर सर्कल के साथ सेंटर से जो भी मिलेगा, यहाँ पे हो जाए या इस पॉइंट से हो जाए रेडियस ही है, या इस पॉइंट से हो जाए रेडियस ही है। ठीक है ना, तो बाकी बंदे लगेंगे, एक को एक्सप्लेन कर दिया इट्स एनफ, तो वो आपका कहलाएगा यहाँ पर रेडियस। ठीक है जी, तो यहाँ पर आ जाएगा कि सर्कल ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये दूसरी डेफिनेशन है, अगर सर्कल में रेडियस की डेफिनेशन भी आ जाती है तो रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये दूसरी डेफिनेशन इसलिए आप मेरे साथ लिखती है कि अगर पेपर में कहीं वो रेडियस की डेफिनेशन पूछता है तो वो भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सके। तो सर्कल की डेफिनेशन आपको पता चल गई कि एक फिक्स एक मखसूस पॉइंट जो होता है वो एक मसावी फासले पर इससे घिरा हुआ जो आपका एरिया जो एक ज्योमेट्रिकल शक्ल बनती है ईच एंड इक्वली, यहाँ पर लिखा भी होगा आप देखेंगे ना, इक्वली डिस्टेंट जो मैंने लिखा है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एक प्लेन में जो बनती है वो आपकी शक्ल वो सर्कल कहलाएगी। अब साथ ही है कि वो जो फिक्स्ड पॉइंट होता है वो इसका सेंटर कहलाता है, और उसके अलावा सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का फासला जो है वो आपका रेडियस कहलाता है। तो आई होप कि आपको ये डेफिनेशन जो है वो समझ आ गई होगी अच्छी तरह से। इसको एक जगह पे पहले लिख लें, फिर अच्छी तरह से आप याद करके एक दो बार लिखेंगे तो आपको ये डेफिनेशन याद हो जाएगी। वैसे तो डेफिनेशन अगर आप कहें कि कितनी सी है तो ये आपकी सेंटर तक होगी, या ये भी आपका द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये भी अगर देखा जाए तो ये सर्कल के सेंटर पॉइंट की डेफिनेशन है, जबकि ये फिक्स्ड पॉइंट तक की डेफिनेशन यहाँ तक को आपकी सर्कल की डेफिनेशन बनती है। अच्छी तरह से इसकी वो आपने जो है वो जेनशीन कर लेना है। अगर स्टूडेंट आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।